हाँ गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तक्षशिल. जसविरा जा रहे मन आरव एंड मृणाल इज योर ज्वाइनिंग. अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम। देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स. सो गुड क्या, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मृणाल. खुल गया मौसम अब तो. हाँ जी, तो इसका मतलब कल तो हम क्लास में मिलेंगे, है ना? मैम कल का तो मैसेज नहीं आया वो छुट्टी। अच्छा सच, हाँ तुम लोग को तो कल की भी छुट्टी है, उसको तो नहीं बदलाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किए तो है. मतलब कल भी हम ऑनलाइन ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग स्कूल जाएंगे, वहां से मिलेंगे. तो जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी, ठीक है? तो अभी हम करते हैं स्क्रीन शेयर. और ये रहा हमारा. मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे क्विकली बता दें कि हमने वाचा में क्या क्या किया था कल, वहां से आगे चले. कल हमने कर्तृवाचा और कर्मवाचा समझा था और आज हम भाववाचा समझेंगे. तो कोई जरा मुझे बताओ, कौन रिपीट करेगा इसे वेरी क्विकली? हर्षिता वॉन्ट्स टू डू इट? यस मैम. बोलो फिर हर्षिता. वैसे मैम, कर्तृवाचक में जो क्रिया होती है वो कर्ता के स्टूडेंट्स, आप लोगों को कर्ता कल स्कूल से एक मैसेज दिया था आपको बीच में टोकने के लिए, सॉरी फॉर दैट हर्षिता, कि आप लोग अपने वीडियोज ऑन रखो. ये कोई अच्छा लगता है किसी के वीडियो पे कोई कार्टून करेक्टर, किसी के कुछ, किसी के कुछ? क्या ऐसी मुश्किल है आपको वीडियो ऑन करने में? मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ और कुछ टीचर्स तो उससे भी पहले से क्लास में हैं. थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करो, थोड़ा सा अनुशासन का ध्यान रखो. स्पेशल मैसेज डाला गया था क्योंकि कल थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन देखा गया, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कल का दिन तो क्लास ऐसे ही चलने वाली है ना, ठीक है? हाँ हर्षिता कंटिन्यू. यस मैम. मैम, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के समान चलती है, जिसमें कर्ता के अनुसार चलती है, जिसमें कर्ता में प्रथमा लगती है, कर्म में द्वितीया लगती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, और कर्मवाच्य में जो बस 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 कर्म में तृतीया बस में. हर्षिता बस. कर्मवाचक कोई और एक्सप्लेन करेगा? कौन करेगा? हिमांक. यशिका ने वीडियो बंद यस कर मैम। दिया. यशिका आपको लगा मैं आपसे पूछ लूंगी? हाँ बोलो हिमांक, कर्मवाचक में क्या क्या होता है, नियम यस क्या मैम, है? कर्मवाचक में जो हमारा कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, और जो कर्म होता है वो हमारा प्रथमा में होता है, और जो हमारा जो कर्म होता है तो वो कर्ता अनुसार होता है, सॉरी कर्मानुसार, कर्मानुसार. ये तो गलत हो गया. क्या गलत बोला तुमने? कौन ठीक करके बताएगा? जसविराज बाल संवारने बंद करो. तुमने बोला कर्मवाचक में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में क्या होता है हिमांक? प्रथमा प्रथमा. और उसके आगे क्या बोला? मैम, वो मैंने गलत बोल दिया था. एक्चुअली ये है कि क्रिया कर्मानुसार होती है ना कि कर्ता जी अनुसार. बिल्कुल, आपने बोला कर्ता अनुसार, कर्म कर्ता अनुसार, ये तो बात ही नहीं बनी ना. वाक्य में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं वो हैं क्रिया और कर्ता. और संस्कृत भाषा का नियम है कि कर्ता और क्रिया की अन्विति है, जो मतलब उनका आपस में मेल है, वो बेहद जरूरी चीज है. अगर कर्ता प्रथमा में प्रथम पुरुष में है तो क्रिया में उसी प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगेंगे, ठीक है? और अगर जो भी कोई विशेषण है उसके साथ लगने वाले, उनका लिंग वचन और विभक्ति भी वही रहेगा. ये शाश्वत नियम है संस्कृत भाषा का, इसके बिना बात नहीं बनती है.
ठीक है। अच्छा ओके मैम। अब कल मैंने कुछ वाक्य दिए थे आप लोगों को, वो हो गए क्या सबके? नहीं, मैंने उदाहरण काम दिया था, लवण्य क्यों नहीं किया? तीन चार वाक्य तो भूल हमने गए चर्चा, हैं। तीन चार वाक्यों पे तो हमने चर्चा कर ली थी, बाकी जो बचे थे वो बताओ कौन यस कौन से थे। मैम, मैम यशिका बोलो। फोर्थ वाला करना था। तो कौन बोल रहा है ये? यशिका बोलो फिर, क्या था फोर्थ यस वाला? मैम, मैम जो सेंटेंस था वो था बालकेन लेखम लिख्यते। एक मिनट, बाल के न लेखम। अब ये ना हमें मौका मिला है, मैं फिर से आप लोग के सामने टाइपिंग करके दिखा रही हूँ, भूल चुके हो गए आप लोग, याद रहेगा फिर। अब कभी कोई आर्टिकल लिखना होता है या कुछ करना हो तो आपको बताना चाहिए। चलो अब बताओ, बालकेन लिखम लिखे थे। अब ये पहले तो मुझे ये समझाओ आप लोग कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्त्री या कर्म? करमवाच। कौन बोला? यशिका। हाथ खड़ा करो बच्चे, दिखाई दे रहे होंगे सब कुछ। जसविराज प्लीज रिमूव दिस आइकन, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कर्मवाच्य कैसे पता चला हमें? मुझे ऐसा मैम लग रहा है। बिकॉज जो क्रिएट, आर यू श्योर कि मैंने ये वाला सेंटेंस लिखवाया हुआ है आपको, या आपने लिखने में कोई गलती कर दी है? देखो इसमें एक एरर है, ढूंढो आप फिर। अगर ये कर्मवाच्य का वाक्य है तो इसमें एक गलती है, उसको आप ठीक करो। अभी अभी नियम दोहराया ना हमने, तो अगर उन नियमों के आधार पर चले तो इस वाक्य में एक गलती है। मैंने ऐसा लिख दिया जैसे आपने कहा, तो इसलिए ताकि मैं देखूं कि आपको समझ आया या नहीं। कौन एक्सप्लेन करेगा? मृणाल, मैम हर्षिता, मैम हर्षिता। यस कौन मृणाल, लेकिन लहर का भी हाथ खड़ा है। चलो मैं लहर से पूछ रही हूँ फिर। लहर आप बताओ बच्चे। हाँ मैम इसमें लेखन में द्वितीया लगी हुई है जबकि प्रथमा होनी चाहिए। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड आंसर। अब ये अगर कर्मवाचक का वाक्य है तो ये पहला है हमारा कर्ता, इसमें तृतीया, ठीक है। क्रिया जो है वो हमने किसके हिसाब से लगानी है? लेख के हिसाब से। और लेख जो है वो हमारा गलत हो गया, उसमें हमें क्या करनी है? प्रथम विभक्ति लगानी है। बहुत अच्छा आंसर। और आई एम श्योर कि आप लोग पेपरों में, अभी आपका पेपर है 17 को, उसमें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एक्सक्यूज मैम मी मैम। हाँ जी बोलो मैम। मैम अगर यहाँ आप पे बालकीन है यहाँ पे, तो मैम बालकीन तो नहीं लगेगा ना क्योंकि ये लता शब्द के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या लता के अकॉर्डिंग चलेगा? मैम बालिका शब्द तो नहीं, हाँ बिल्कुल वो तो है ही, जो भी मैम शब्द है उसकी तृतीया करनी है। आपने बालिका शब्द लिखा हुआ है अपने वाक्य में। बालिकीन लिखवाया हुआ है आपने। बालिकेन तो कोई शब्द ही नहीं होता। मैम आपने बालक ही नहीं लिखवाया हुआ है। बालिकेन कौन सा शब्द होता है हर्षिता? मैम वो इसलिए तो बोल रही थी कि वो भी गलत है ना। वो तो कुछ और चीज है, वो गलती नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो ना, आपकी स्क्रीन पे तो विजिबल नहीं आ रहा हमें, बस एक वो उदाहरणी भी लिखा हुआ है, वो आपके टाइप करा हुआ लिखा नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रीन तो शेयर ही है, मैं जो भी कुछ करूंगी अपनी स्क्रीन पे वो दिखेगा ही आपको। मैम मैम आपने आपने क्रोम शेयर क्या हुआ? शायद स्क्रीन शेयर समझे नहीं क्या कह रहे हो आप लोग। की मैम, शेयर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, शेयर एंटायर स्क्रीन वो आते हैं ना, जब शेयर स्क्रीन करते हो, शेयर योर एंटायर स्क्रीन। ओके ठीक है, दोबारा कर देती हूँ फिर मैं। एक मिनट, एंटायर स्क्रीन ये दिखा तो नहीं, स्क्रीन। अच्छा
आप देखो, आप दिखाई दे रहा है? चलो यस मैम, यस मैम, ठीक है, गुड, थैंक्स फॉर गाइडिंग। मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि बच्चे जब कुछ कुछ बताते हैं। तो बालकेन ना, बारिश की वजह से थोड़ा सा नेट लगी है। लेख लिख ते, ठीक है, समझ आ गई बात। उसमें एरर क्या था, लहर ने बहुत अच्छा पहचाना, लेख में द्वितीया लगी हुई थी। ऐसे शब्द का प्रयोग करके हम सिखाते हैं जिसमें प्रथमा और द्वितीया के रूपों में अंतर हो। अगर मैं यहाँ पे कार्यम लिख देती तो दोनों तो अंतर क्लियर नहीं होता आप लोगों को। बात समझ में आई? अपने हाथ जरा नीचे कर लिया करो, जैसे आप लोगों का होता है। अगला वाक्य बोलो, क्लास क्या है? यस क्लास, अगला सेंटेंस अगली सेंटेंस यशिका, दोबारा बोलो। मैम, ये सेंटेंस आपने लिखवाया हुआ था, मतलब हमें इसे कर्तावाच्य कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना था। यस तो इसके बाद और भी लिखाए होंगे सेंटेंसेस के? नहीं, मैम, तो फिर वही पूछ रही हूँ, बताओ क्या है वो। नेक्स्ट, छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। हाँ, ये एक अच्छा सेंटेंस है। बताओ क्या किया इसका कन्वर्ट करके आप लोगों ने फिर? मैम मैं बताऊं, कौन, हर्षिता? मैं देख रही हूँ किस किस के हाथ हर्ष में हैं। ओनली आर्यमन से सुनना चाहूंगी मैं फिर। यस मैम, इसका हम अगर वो करेंगे कर्तरी कर्मवाच्य में करेंगे तो आएगा छात्रा भी ही विद्यालय प्रति गच्छन्ते। छात्रा भी विद्यालय प्रति गच्छन्ति, नो ये मैम, गलत है। गच्छन्ते। गच्छन्ते इज नॉट करेक्ट। काव्या ना पा रहा क्लास में, बताओ। मैंने लिखा आपको, ये हमारा सेंटेंस, इसमें कर्ता कौन है अरेमन? मैम कर्ता तो छात्रा है। छात्रा, और क्रिया हमारी गच्छन्ति। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने चेंज कर दिया छात्रा का, छात्रा भी कर दिया। हालांकि इसका एक और आंसर भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है क्लास, छात्रा भी के स्थान पे? मैं बताऊं, मैम हाँ बोलो यशिका। छात्रा ही है। छात्रही, क्योंकि छात्र और छात्रा दोनों का प्रथमा बहुवचन छात्र रहा होता है। इस वाक्य से, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो अगर आप छात्रा भी करोगे, इसने स्त्रीलिंग में किया है मैंने, और यशिका ने बताया पुलिंग के हिसाब से। स्क्रीन पे देखना पड़ता है किसका नाम कहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। विद्यालयम का विद्यालय कर दिया, प्रति का क्या करना है रेमन? मैम प्रति को ऐसे रखेंगे। प्रति एक अव्यय है, उसको किसी भी सूरत में वैसे ही रखना होता है, उसमें कुछ नहीं करना। मगर गच्छन्ती अब कहाँ जाया जा रहा गमयंते हो मैम, है? गम्यंते वो गच गमयंते शायद। क्या होगा क्लास? गम्यंते इज नॉट द करेक्ट आंसर। तक्षील क्या आएगा? मैम आइडिया नहीं कोई, क्यों आइडिया नहीं है? कल तो हमने नियम किए हैं सारे। तो इसका नहीं पता चल रहा। बेटा धातु प्लस य प्लस आत्नेपदी प्रत्यय, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो हम क्रिया प्रयोग करने वाले हैं कर्मवाचक में, वो किसके लिए प्रयोग हो रही है? विद्यालय विद्यालय के लिए। गुड आंसर मृणाल। तो विद्यालय कितने हैं आर्यमन? एक। फिर एक ही है। आपने गम्यंते क्यों बोला? यस मैम, चेंज क्या कर आएगा बोलो? मैम, आर्यमन ये गच्छा नहीं बेटा, कोई और बोले। अलवन ने आप बोलो। गम्यते। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। छात्रा भी विद्यालय प्रति गम्यते। अब क्योंकि विद्यालय एक है, जैसा कि अभी आर्यमन ने बोला, तो गम्यते लगेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा। और या फिर यस डाउट है मैम, मतलब बोलो मृणाल। हम प्रति हम लोग करते हैं ना, जब भी प्रति लगता है तब हम लोग द्वितीय विभक्ति का उपयोग करते हैं।
नहीं पर विद्यालय कर्मवाचक में की उसको छोड़ना पड़ेगा बेटे, विद्यालय प्रति करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे देखो पेपर में ऐसे करेंगे नहीं, वो सेंटेंसेस को डालेंगे नहीं, पर यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने डाला, विद्यालय ही करना होगा, क्योंकि फिर तो आपका वाचन ही ना चेंज होगा, ठीक है? आमतौर पे ये जो वाक्य होते हैं ऐसे आते नहीं है, पेपर में नहीं डालेंगे इस तरीके से वाक्य। क्लास में हम तरह तरह की चीजें डिस्कस करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे वाक्य लिख लेते हैं, ठीक है? तो विद्यालय प्रति गम्य थे। अगला वाक्य अनंत बोलो, अगला सेंटेंस क्या है? अनंत नहीं बोल पा रहा। आरव, आरव भी नहीं बोल। तक्षील तुम बोलो क्या सेंटेंस है अगला। अगला है माला कारह पुष्पानि चिनोति। चिनोति माला कारह पुष्पानि चिनोति, ठीक है? अच्छा, माला कारह ये है आपका सेंटेंस। अब सबसे पहली बात मुझे बताओ, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्त्री। जवाब देगा मुझे आर्यमन। आप नहीं, अनंत आप बोलो अगर बोल सकते हो तो। कौन सा वाच्य है इसमें, कर्त्री या कर्म? अनंत का कुछ इशू लग रहा है। कोई और तक्षील तुम ही बता दो। कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य, साधारण वाक्य जो आप यूज करते हो। अब करो इसको कन्वर्ट कर्मवाच्य में। तक्षील कन्वर्ट। अच्छा देखो दो बच्चा, मिनट दो ऐसा मिनट है कि पेपर में मैं इतना कर सकती हूँ कि भाववाच्य के वाक्य नहीं डालूं, कर्त्री और कर्म ही डालूं। कम से मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हो या प्रैक्टिस नहीं करनी आ रही, तो पहले इसको कर लें फिर ही आगे बढ़ेंगे, फिर भाववाच्य छोड़ देंगे हम इस इम्तिहान के लिए जो 17 तारीख को होना है। ऐसे भी स्कूल बंद हो गया है, कुछ हो नहीं रहा ठीक से, पता नहीं कैसे होगा। चलो बोलो, भूल हाँ गए जी ना सब मैम। लोग ऑनलाइन क्लासेस हैंडल करनी। हाँ जी, मालाकार आने पुष्पाणि चिन्हते चिन्हते सब गड़बड़ तक्षील। मालाकार आनी कैसे है? पहले मालाकार चलो बताओ कौन सी भक्ति है। मालाकार आने कौन सी भक्ति है? हम 2 मिनट अपना सोचना पड़ेगा। तक्षील मैम 1 सेकंड याद नहीं आ रहा। 2 मिनट मालाकार में कौन सी भक्ति है, याद नहीं ना? अर्नब तुम बताओ। लहर मुस्कुरा रही है तुम्हारी बात पे। लहर, चलो आप ही बताओ बच्चे। मैम, मालाकारेण पुष्पाणि चिन्हते। मालाकारेण, मालाकार हमें प्रथमा विभक्ति थी तक्षील, जिसको कन्वर्ट करके हम। हाँ आ रहा था मुझे याद। मैं बताने में माइक नहीं म्यूट हुआ। हाँ हाँ तुम तो बताओगे ही, पर हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते। तो हमारा सेंटेंस बनता है, माला कारेन पुष्पानी, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब मेन चीज है आपकी, मुझे ये बताओ कि अब जो क्रिया हम लगाएंगे वो एकवचन में लगाएंगे या बहुवचन में लगाएंगे। तक्षी लब तो बताओ, मैं बताऊँ, बहुवचन बहुवचन में क्यों? पुष्पानी बहुवचन है क्योंकि परफेक्ट, ठीक है। और आपके ये रूप बनेंगे पुष्पानी चियंते, ध्यान से देख लो मतलब ये। मैम पूरा गलत नहीं था वैसे। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, गलत तो गलत ही हो, फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे फिर पेपर में, आधे आपने नंबर बोला था आएंगे। ना पूरा, नहीं आपने बोला था तब ना तो जो पूरा बोला गलत। तुमने उल्टा पुल्टा ही बोला था, मुझे याद नहीं। अब क्या है, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम पीछे जाके सुन भी सकते हैं कि क्या बोला था, है ना हर्षिता? हर्षिता अगला ठीक है वाक्य मैम। बोलो बेटे। यस मैम। जनई गीतम गीयते। मैम पहले आइसक्रीम इसका बताना है। इसका जनई गीतम गीयते,
इसमें कौन सा वाच्य है? क्लास नॉट हर्षिता एनीवन एल्स। मैम मैं हमारे यशिका, मन अनंत से मैं सुनना चाह रही हूँ कुछ। अनंत तुम कहीं ऑडियो वीडियो का बहाना तो नहीं बना रहे? बोलने की कोशिश तो वो कर रहा है। काव्यान कहाँ है? उसने कुछ नहीं बताया अभी तक। वो क्लास से बाहर भी हो गया था, री एडमिट किया मैंने। काव्यान बताओ इसमें कौन सा बच्चे है? मैम इसके अंदर कर्म वाच्य है। हाँ कैसे? जनई गीतम गीयते, यही है ना सेंटेंस? यस मैम, जनई गीतम गीयते। अरे हाँ, जनई कर्तृवाचक अगर में करना। तुम कह रहे हो कि ये कर्मवाच्य है तो फिर कन्वर्ट करके इसको कर्तृवाच्य में करना पड़ेगा। भाव में तो कर नहीं सकते, एक तो भी आपने भाव किया नहीं, और जिसमें कर्म आ जाए उसमें भाव हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो कि इस वाक्य में कौन सा इसमें कर्म क्लास? तक्षिल बताओ इस वाक्य में जने जने क्या है, गीतम क्या है, और गीयते क्या है? मैं देख रही हूँ तक्षिल को क्लियर नहीं हुआ ये टॉपिक। जनई करता है, हाँ गीतम कर्म है हाँ और गायते क्रिया है। गायते तो लिखा नहीं हुआ, मैंने गीयते लिखा। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, सॉरी सॉरी सॉरी, गियते गियते दिख नहीं रहा था। गीयते। कोई पहले मुझे ये बताएगा कि ये जो गीयते शब्द है इसकी धातु क्या है? कौन सी धातु है क्लास? गई धातु। ठीक है, इसके साधारण रूप से चलते हैं, वो तो आपको खैर अच्छे से आते ही होंगे, हजारों बार किए। गायते गायते गायन्ति। ठीक है, और आत्यपदी में इस तरीके से चलेंगे। धातु ये प्रश्नपदी है, लेकिन कर्मवाच्य करते हुए हमें ऐसे प्रयोग करने होता है। तो जनई गीतम गीयते, और अब इसका कर्तृवाच्य में क्या करेंगे हम? तक्षील, तक्षील ही जवाब देगा, बाकी को क्लियर हो रहा है सन जो नहीं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहले तो जनई में बताओ कौन सी भक्ति है। अब ये ना कह देना कि सोचता हूँ कर। जनई में प्रथमा, प्रथमा। वेरी गुड। इतनी देर नहीं वेट नहीं होती ना, फिर टीचर आगे बढ़ जाते हैं, इसी से आप लोगों को नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आरंभ पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज मैंने। हाँ जी बोलो बच्चे। मैं ना कल की क्लास में पहले तुमसे बालक शब्द के रूप सुनूंगी। तक्षील अरे वन आप ओके बताओ। मैम, मैम वैसे वो आते हैं अभी, कंफ्यूजन में थोड़ा सा डिले हो तृतीया है रहा। जिन्हें, तृतीया है उसमें, क्योंकि वो करता है। और गीतम में हमें नहीं पता चल रहा, पर हम समझ सकते हैं कि जनई में तृतीया पुष्प लगी होगी, है, प्रथमा होगी। और गीयते जो है हाँ उसमें प्रथमा लगी हुई है। एक गीत गाया जा रहा है लोगों, जैसे आप तुम लोग सारे क्लास के बच्चे 10-12 मिलके गाना गाओ। तो अब इसका कर्तृवाच्य बनाओ, कौन बना रहा है? मैं मारे मन नहीं, मैं चाह रही हूँ जो बच्चे क्लास में बैठे हैं जिनकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही, उनमें से भी कोई कुछ सुना दे मुझे। काव्यान तुम करोगे इसको? ओके ऊपर सेंटेंस लिखा स्क्रीन पे, देखो इसका कर्तृवाच्य करो। सारा बात चीज हमने डिस्कस कर ली, तुम कुछ देर के लिए क्लास से बाहर भी थे, बोलो क्या है? हम जनई गीतम गीयते, जनह गीतम गायति, जनहा। ठीक जनह गीतम गायति, जना है, गीतम। जनई का क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन से प्रथमा बहुवचन जनहा। गीतम में विभक्ति चेंज हो रही है, द्वितीय लग रही है, परंतु स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, और क्रिया फिर जना के हिसाब से गायंती हो जाएगी। समझ आ गई बात तक्षील? तुम्हें समझ में आई है बात? यस मैम, आप समझ गया, पूरा क्लियर हो गया। समझ तो आ रहा है तुम्हें, परंतु तुम्हें शब्द रूप नहीं याद अच्छे से, इसलिए तुम शब्द रूप बोल। नहीं, वो मतलब एकदम से वो आता है ना, वो याद नहीं होता फिर क्वेश्चंस ठीक है चलो, कोई और जो वाक्य होते। बचे हैं क्लास? यस मैम स्टूडेंट, एक लास्ट बचा है, एक क्लास बचा है। चलो मेरे नाल करेगी फिर, बोलो मेरे नाल। भक्ताः ईश्वरं पूजयन्ति। भक्ताहा के भक्त। भक्ताः अच्छा बहुवचन है, भक्ताहा ईश्वरं पूजयन्ति। तो बोलो मृणाल इसका कर्मवाच्य में क्या बनेगा? अभी है हमारे पास टाइम कर्मवाच्य में। भक्तैः ईश्वरं पूज्यते।
ईश्वरम। ईश्वर। तूने पहले ईश्वरम बोला ना शायद। देखो हाँ पेपर में भी ना यही होता है क्लास, तुम लोग एक छोटी छोटी सी गलतियां जो कर देते हो ना उनसे ही हमारा नंबर चला जाता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि ये 99 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। ईश्वर तो कभी नपुंसकलिंग हो ही नहीं सकता, और वो पुलिंग है तो प्रथमा एकवचन उसका रूप बनेगा ईश्वर। तो भक्त ही ईश्वर पूज्यते, ईश्वर एक ही है तो इसलिए पूज्यते आएगी क्रिया। क्लियर हो गया क्लास? बोलो भाई। यस मैम, यस मैम। आगे बढ़े फिर। यस मैम, अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने आपकी तीसरी भाषाएं पढ़ते हो उसका थोड़ा सा हम फायदा उठा लेते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाक्य क्या होते हैं अंग्रेजी में? नहीं तो फिर मैं इंग्लिश में मैम मैं थोड़ा। बताऊँ हाँ बताओ बताओ। मैम, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कर्म मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ और जो इनट्रांजिटिव होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये बोल कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आया वैसे। यशिका मैम हर्षिता। हर्षिता। ओके बिल्कुल सही बताया हर्षिता। देखो आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस में और करवा दूंगी क्लास में। अब इस पेपर से पहले तो मुझे नहीं पता कितनी हो पाएगी, पर हाँ अगले जो हाफ ईयरली उससे पहले हम कर लेंगे कर्तृवाचक कर्वाचक की, और असाइनमेंट भी भेजूंगी मैं आप लोगों को। पर आज अभी हम जा रहे हैं भाववाच्य पे, मैंने अपनी खोली ही आ गया। अकर्मक धातु नाम कर्मवाच्य सदृशम रूपम यस्मिन यो प्रयोगे दृष्टे, यह भाववाच्य प्रयोग। अब क्या होता है जब हम कर्तृवाच्य करते हैं, तीन चीजें होगी ना हमारे पास। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। प्रधानता किसके आधार पर निर्धारित होती है? क्रिया के आधार पे। जब क्रिया कर्ता के अनुरूप चलती है तो कर्तृवाच्य, और जो क्रिया आपकी कर्म के अनुरूप चलती है तो कर्मवाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य में क्या होता है, उसमें कर्म होता ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? भाववाच्य के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कोई कर्म नहीं होता, कर्ता तो होगा। जैसे और इस प्रकार की कुछ धातुएं हैं जो अकर्मक धातुएं बोली जाती हैं आपकी, जिनमें अ का मतलब क्या होता है? निगेशन, ना, नहीं होना संस्कृत भाषा में। और सकर्मक कौन सी धातुएं होती हैं? जिनमें कर्म होता है। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हम बना सकते हैं, जैसे बच्चा लेख लिखता है, फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बनाए। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा साधारण सेंटेंस भी बन सकता है। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को करके। अगर हम एक ना, ये नेट धीरे चल रहा है, मुझे टाइप करने में परेशानी आती है। मैं चाह रही थी कि मैं इसको कर दूँ डिलीट, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। सह दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आया कि पीछे ज्यादा चला गया, ज्यादा नीचे चला गया? कर्सर ही नहीं हिल रहा। सह लिखती, इस वाक्य छोटा सा वाक्य है ये, लेकिन अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। क्या लिख रहा है हमें नहीं पता, इसका मतलब क्या है? इस वाक्य में हमारे पास क्या है? सहकर्ता और लिखती क्रिया। अगर हम सह के स्थान पे आम कर देंगे तो लिखामी कर देंगे। समझ आ गई बात? अब तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो हिमांग? कोई इंटरेस्टिंग काम हो रहा है तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे हमें नहीं दिखाई दे रहा? बोलो। नो मैम, अच्छा, नो मैम, अगर हम लिखे इसको साथ में शब्द बदल देते हो उत्तरम, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका सहकर्म, क्योंकि इस वाक्य में आपके पास अब कर्म भी आ गया उत्तर, जबकि पहले वाले वाक्य में सहलिखित में कर्म नहीं था। ये तो होगी बात ऐसे वाले वाक्यों की जिन्हें हम चाहें तो कर्म वाचय में मतलब कर सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं, हम अपने आप हमारे हाथ में है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो होती ही अकर्मक है, उनके साथ आप चाहें भी तो कोई कर्म नहीं बना सकते। जैसे ऐसी एक धातु है धाव। अब धावा जो धातु है मतलब भागता है या भागती है या कुछ भी, इसके साथ जरा आप सोच के देखो
क्या आप कोई वाक्य ऐसा बना सकते हैं जिसमें कर्म का प्रयोग हो? बोलो। आर्यमन बनाएगा क्योंकि आर्यमन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो भागने वाली बात वही करेगा। बोलो आर्यमन। मृणाल का हाथ सह क्रिया क्रीड़ा क्रिया क्रीड़ा क्षेत्रे धावति क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्र, क्षेत्रे तो कौन सी वही विभक्ति लगी वो उसमें? इसमें जो वो क्षेत्रे इसमें तो वो लगी ना सप्तमी, सप्तमी लगी, द्वितीया ही लगी। ठीक है, फिर नहीं बना आपका ये। ऐसी एक और धातु है भू, भू मीन्स भवती, जैसे एक सेंटेंस बनता है ईश्वर भवती, तो ईश्वर भवती का आप क्या करोगे? वाच्य परिवर्तन। पहले तो भवती का नहीं आपको आता होगा। अच्छा अब देखो एक चीज, नियम पहले पूरा देख लो। कहता इसलिए प्रथम पुरुष ही एक वचने प्रयुज्यते, केवल भाव सूचित करता है इसमें वो, इसलिए उसमें जैसे आप चेंज करते हो ना, अगर गीतम है तो गीयते, अगर गीतानी है तो गीयन्ते, पाठ है तो पठ्यते, पाठा है तो पठ्यन्ते। कर्म के अनुसार आपकी क्रिया बदल गई कर्ती के बाद। तो कर्तृवाच्य से हम दो चीजें कर सकते हैं। अगर हमारे वाक्य में कर्म हो तो हम कर्मानुसार क्रिया परिवर्तित करके कर्मवाच्य बनाएंगे, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो हम भाववाच्य बनाएंगे। परंतु भाववाच्य में जो वाक्य बनते हैं उनमें सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लगती है। मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, उसे आप करो और मुझे समझाओ फिर। जैसे कहता है शिशु हसती, शिशु हसती, इस वाक्य को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ भाई। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बालकेन क्रीड़े थे, हस्यते वाला यहाँ पे भी है सेंटेंस, दिखा दिया मैंने मैम आपको। हंसते हाँ बोलो। थे, मैम शिशु ना हंसते थे। ये रहा सेंटेंस, यहाँ मैंने छात्र किया हुआ था, निकाल लिया मैंने, अब उसको भी वैसे सामने ले आई हूँ। परंतु मैं चाह रही थी कि आप अकारांत के अतिरिक्त किसी और शब्द को भी प्रयोग करें, इसमें मैंने शिशु बोल दिया, छात्रेन हस्यते। परंतु आप गौर से देखो यहाँ पे जो बहुवचन में भी क्रिया है छात्र ही, ये क्या होगी आपकी? कर्ता बहुवचन में आ गया, इसमें से कर्ता आपका किसमें है? एक वचन में। पर दोनों में क्रिया हस्यते ही है। इसको हिंदी में सोच के देखो आप, बच्चे के द्वारा हंसा जाता है, बच्चों के द्वारा हंसा जाता है, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते नहीं है, हम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपका बहुवचन में चेंज तो होता नहीं, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे बच्चे के द्वारा हंसा जाता है, बच्चों के द्वारा हंसे जाते हैं, ये तो कोई सेंटेंस ही ना बनता। तो इसलिए भाववाच्य है, इन्हें वे देखा जाए तो कर्मवाच्य से सरल है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही क्रिया यूज करनी है आपने, उसमें किसी की चीज के कोई भी सेंटेंस हो, छात्रेन हो, बालकेन हो, मया हो, त्वया हो, ठीक है, युष्मा भी हो, अस्मा भी हो, आपने एक ही क्रिया लगानी है हस्यते। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात क्लास आपको? बोलो स्टूडेंट्स, यस मैम, मुझे ऐसा यस क्यों लग रहा है मैम। कि मतलब कि हम लोग अपनी इन शॉर्ट कि हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो उसमें हम लोग प्रथम पुरुष एकवचन यूज करेंगे प्रथम पुरुष एकवचन इन ऑल क्रिया सदैव। देखो कहता उसमें कोई और चीज चीज होती ही नहीं ना। आप क्रिया किसके अनुसार चेंज करते हैं मृणाल? या तो कर्ता के अनुसार चलाते हैं या तो कर्म के अनुसार चलाते हैं। अब क्योंकि ये कर्तृवाच्य तो है ही नहीं, तो इसमें कर्ता के अनुसार तो क्रिया चलेगी नहीं। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चलाएंगे फिर तो ये भाववाच्य बनेगा ही नहीं, फिर तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्म इसमें है ही नहीं, तो हम भाव के अनुसार, भाव है सिर्फ होने, जैसे कि हंसने का एक भाव है, उसके हिसाब से हम क्या क्या करेंगे क्रिया को, हम चलाएंगे प्रथम पुरुष एकवचन में किसी भी। देखो होगा क्या पेपर में क्लास, कि आप लोगों के पास ना अलग अलग तरीके के वाक्य होंगे। आमतौर पे जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर सेटर की कोशिश ये रहती है, ये नियम है इसका जो पाणिनि के व्याकरण में दिया हुआ है, भाववाच्य क्रिया वक्ति न कर्तारे न कर्मच, सिर्फ कहता है इसमें ना कर्ता होता है ना क्रिया जो होती है उसके हिसाब से। तो कर्ता तृतीयायाम और क्रिया जो है भाववाच्य में सदैव एक वचने प्रथम पुरुषे, ये लिखा हुआ है एक वचने प्रथम पुरुषे, समझ आ गई बात? तो होगा क्या पेपर में आमतौर पे क्या कर देते हैं हम लोग, एक तीन नंबर का आपको ये वाचक का प्रश्न आता है, प्रयास यही रहता है कि एक में आपका हो जाए कर्तृवाचक का वाक्य में प्रयोग, एक में आपका कर्मवाचक हो जाए और एक में आपका भाववाचक हो जाए। इनिशियल स्टेजेस पे हम जब पेपर बनाते हैं तो ऐसा नहीं भी कर पाते,
क्योंकि अभी आप लोगों की उतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई और आप लोगों ने उतना सारा कुछ किया नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि शुरू में थोड़ा सा सरल रखें। पर हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम जब तक होंगे, पेपर भी 80 मार्क्स का होगा और सिलेबस बढ़ जाएगा, और उससे पहले आपको अच्छी प्रैक्टिस देना आवश्यक है, इसलिए तब तो इस तरीके से बनाऊंगी मैं, प्रयास होगा मेरा कि तीनों चीजें आ जाएं। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं क्लास? और क्या है, कहीं पे वो पेपर में आपको क्रिया ब्लैंक दे देगा, कहीं पे कर्ता ब्लैंक दे देगा, कहीं पे कर्म ब्लैंक दे देगा, या वाच्य दे देगा। है 3 ही नंबर के 3 शब्द, पर ये 3 नंबर कमाने के लिए आपको ये अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना होगा। बात समझ में आएगी सबको क्लास? यस तो अभी मैं स्क्रीन तो बंद कर रही हूँ यस मैम। क्योंकि टाइम इज ऑल्सो रनिंग आउट और ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। अच्छा, आप लोगों को क्लैरिटी है ना कि हम लोग इस बार कौन से लेसन से पेपर कर रहे हैं? आज कितनी तारीख होगी? 11। पेपर कब है? 17 को। कल भी आप लोग स्कूल नहीं आओगे और उसके बाद सैटरडे तो होगा वर्किंग, मंडे है ना आपका पेपर, है ना? मंडे पेपर है। चलो तो कल एक काम कर लेना, आप लोग सिलेबस एक बार फिर से देख लो, लेसन नंबर 1, 2 और 3 भी जितना हमने पहले किया था, पहले 2 पेजेस हैं उसके नाटक के शिशुलाल नाम के, सारा नहीं है क्योंकि पेपर में बना चुकी थी तब तक और हमने बाद में उसको पूरा किया। फर्स्ट 2 पेजेस पार्ट 3, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा पार्ट आधा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। वाच्य परिवर्तन, काल लेखनम, और इस बार मैंने एक चेंज किया स्टूडेंट्स क्लास, मैंने चित्र वर्णन और पत्र दोनों नहीं डाले, उनके स्थान पर मैंने डाला है अशुद्धि संशोधन। हैरान क्यों हो रही है लावण्या? उसकी प्रैक्टिस अगर मैं पेपर में नहीं डालूंगी तो आप लोग करेंगे ही नहीं। तो आप देखो ना हाल क्या है, तक्षशिला को बालक शब्द के रूप याद करने में भी, रिट्रीव करने में मैम भी, तक्षशिला क्वेश्चन क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ। 1 मिनट बात पूरी करने दो। अब आप लोगों को थोड़ी कठिनाई हो रही है अकारांत शब्द करने में भी, तो बहुत जरूरी है कि मैं अशुद्धि संशोधन अभी से करवाऊं। हाँ बोलो तक्षशिला। मैम हो सके तो थोड़ा वो वाच्य परिवर्तन एक्सरसाइज मिल जाए। वाच्य परिवर्तन की एक्सरसाइज दे दूं प्रैक्टिस हाँ जी, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो मैम, के लिए? बुरी हाँ, हालत। ये ऑनलाइन क्लास है ना, वर्कशीट तो मैं स्कूल में पढ़ी थी, अचानक से क्लास ऐसे होगी तो मैं अरेंज नहीं कर पाई क्योंकि स्कूल इज क्लोज। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वर्कशीट तो मैं दे दूंगी आप लोगों को, वो तो देनी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं ये चाह रही थी यस कि आप मैम, लोग कल हम थोड़ा सा अशुद्धि संशोधन कर लें। आज मैं आप यस लोगों मैम, को वाचक, यस मैम, मैं दिन में बैठ के असाइनमेंट बनाती हूँ और आप लोगों को मैं अशुद्धि संशोधन की असाइनमेंट भेजती हूँ, पेपर में आएगा और वो बहुत आवश्यक है कि आप थोड़ा सा तो कर लो उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रह गया और मैं सडनली गायब नहीं होना चाहती स्क्रीन से, तो इसलिए मैं क्लास क्लोज करती हूँ। उसके बाद मुझे तो स्कूल भी जाना है किसी काम के लिए। ठीक है, आप लोग नहीं आओगे, आप कल तो हम इधर ही मिलेंगे, परसों होपफुली स्कूल में। ठीक है स्टूडेंट्स। मैम, एक्सक्यूज हाँ मैम, जी नल बुला रही है मैम। मैं कह रही थी कि एक असाइनमेंट भेजी थी मैंने आपको, जो मैंने 10 रात को भेजी थी, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। मुझे ना मृणाल पूरी अच्छे से आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटे, हम बाद में क्लास के बाद फोन पे बात करते हैं। मृणाल ओके हम मैम, बाद में बात ओके करते हैं, ठीक है? मीटिंग इज एंडिंग, मैं डिसअपियर नहीं होंगी फिर। चलो ओके मैम, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।